हेलो फ्रेंड्स, आज ये हम बॉटल गार्ड के बारे में बात कर रहे हैं। इतना हेल्दी वेजिटेबल है ये, और जैसे इसको खाने की बारी आती है तो बच्चों को खिलाना बहुत मुश्किल है, बड़ों का भी मुंह बनने लगता है। लौकी कौन खाएगा? मैं आपको इसका एक आसान सा रेसिपी बता रही हूँ, जो कि बहुत सारे लौकी को आप आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप लौकी की सब्जी बनाए हैं उसके साथ भी इसको बनाने से आसानी से कोई खा लेगा, और बहुत ही टेस्टी है। आज हम बनाएंगे लौकी का रायता। तो ये मैंने लौकी को लिया है, इसको अच्छे से छील के और मैं कद्दूकस कर लूंगी। ये देखिए, मैंने लौकी को कद्दूकस कर लिया, मैंने आधा लौकी लिया था। अब हम एक कोई भी पॉट लेंगे, मैंने लोहे के कढ़ाई लिया है और इसमें मैंने जरा सा एक चम्मच के आसपास ऑयल डाला है। जैसे ये ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें हम जीरा और सूखी मिर्ची का तड़का देंगे। ये देखिए तेल गर्म हो गया है, इसमें हम जीरा डालेंगे, जरा सा डालना है, और सूखी लाल मिर्ची, और हम ये पूरे लौकी का डाल देंगे। इसको ओपन करके ही तेज आंच पे हम 5 मिनट तक पकाएंगे, ताकि ढक देने से ये नरम हो जाता है, थोड़ा क्रंची रहे और इसका पानी सूख जाए। ये देखिए ये रेडी हो गया, सूख गया है काफी। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं, इसको चला लेते हैं, अपने स्वादानुसार नमक डालेंगे। इसका रंग काला इसलिए क्योंकि मैंने इसको लोहे के कढ़ाई में बनाया है। इसका कलर ग्रीन से भले थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन इसका न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है लोहे के कढ़ाई में बनाने से बढ़ जाता है। इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया, इसको ठंडा होने देते हैं। दही को मैंने फेंट के रख लिया है, इसमें डालेंगे हम काला नमक, चाट मसाला, हरी धनिया और हरी मिर्ची। इसके अलावा भी आप जो भी पसंद करते हो रायता में उसको डाल सकते हैं। ये देखिए हमारा लौकी ठंडा हो गया है, तो मैं इसको डाल रही हूँ इसमें, और एक एक करके सारा चीज़ मैं 2 कटोरी रायता तैयार कर रही हूँ। मैंने ये काला नमक डाला, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च। बचा हुआ ये सब्जी जो है इसको आप बचा के रखेंगे, जब जरूरत हो तभी आप इसको मैश करके बना लेंगे। पहले से बना के रखने से ये खट्टा हो जाता है हमारा रायता, तो तुरंत तुरंत मिक्स करके बना लें। कितना आसान है इसको बनाना, और बहुत सारा लौकी को हम इसमें कंज्यूम कर लेते हैं। जो कि लौकी नहीं खाना चाहते उनके लिए बहुत ईजिली, सबको पसंद है। इसको बनाने से ही बहुत मुंह में पानी आने लगता है। ये देखिए हमारा रायता तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी भी आप जैसा चाहे गाढ़ा पतला रख सकते हैं, और अगर आपको धनिया पत्ती की जगह पुदीने की पत्ती भी इसमें डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो। अपने अनुसार इसको, अपने स्वाद के अनुसार इसमें जो चीजें चाहे डाल सकते हैं। कच्ची कटी हुई सब्जियां, टमाटर, गाजर भी ऊपर से डाल सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये लौकी का कंजम्पशन, कैसे इसको लौकी की सब्जी के साथ लौकी का रायता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।